पूर्व केंद्रीय मंत्री और रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि बिहार में अपराधी बेखौफ हो गए। उन्होंने प्रशासन का कोई भय नहीं, जिसके चलते बिहार में लगातार अपराध का दौर जारी है। उन्होंने इसके लिए सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री को प्रशासन को सचेत करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते बिहार में अपराधियों का तांडव जारी है। महुआ में हुए अधिवक्ता पप्पू झा हत्या मामले में को लेकर SDO रोड स्थित पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा ने यह बातें कही। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता पप्पू झा हत्याकांड मामले का स्पीडी ट्रायल कर अपराधियों को सख्त सजा दिलाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस वक्त आम आदमी भी आपराधिक घटनाओं से भयभीत है और अपराधियों का प्रशासन से भय उठ गया। ऐसे में उन्होंने CM नीतीश कुमार को इस पर गंभीरता से कार्रवाई करने की नसीहत दी है। इस दौरान दिवंगत अधिवक्ता पप्पू झा के परिजनों से उपेंद्र कुशवाहा ने मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और हत्याकांड मामले को अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए अपनी ओर से हर संभव प्रयास करने की भी बात कही। इस दौरान उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के सामने दिवंगत अधिवक्ता के बेटे और बेटी दोनों ने मिलकर अपराधियों को पकड़कर पीटने की गुहार लगाई, जिसे पूरा माहौल भावुक हो गया था। और मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि मेरे घर में घटना हुई है। जब ही इस घटना की जानकारी मुझको हुई, काफ़ी दुख पहुंचा। लेकिन अब तो वकील साहब चले गए, लौट कर नहीं आएंगे। जो कोई भी इसके पीछे हो, अपराधी जिसने इस घटना को अंजाम दिया है, उसको अब सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, जल्दी से जल्दी सजा मिलनी चाहिए। यह दायित्व प्रशासन के लोगों का, सरकार का है। सरकार इस दायित्व का निर्वहन जल्दी से जल्दी करे, इसके लिए मैं अपनी ओर से पूरा पूरा प्रयास करूंगा।